स्वागत है आप सभी का पीएससी एक्सप्लेन हिंदी में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सीरीज, जिसमें हम देखने वाले हैं हैंडसम एआई आइडल और एक क्यूट रिपोर्टर की लव स्टोरी। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @kramo+77, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो की वॉइस ओवर, जहां वो बताता है कि शीआईसीटी टेक्नोलॉजी ने केविन एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इंसानों जैसे एआई आइडल्स को डेवलप किया है, जिनमें इंसानों के इमोशंस तो हैं पर उन एआई आइडल्स की किस्मत अपने हाथों में नहीं है। जब तक उनकी लाइफ में उनका स्पेशल पर्सन नहीं आ जाता, फिर हमें इस कहानी के हीरो हुली को दिखाया जाता है, जो कि एआई आइडल्स की फर्स्ट बैच का सबसे पॉपुलर था। पर वो एक ब्रिज के ऊपर से पानी में छलांग लगा देता है, जहाँ पानी के अंदर हम देख पाते हैं कि हुली की सारी मेमोरीज धीरे धीरे गायब हो रहे थे। पर इतनी देर तक पानी में रहने के बाद भी वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है। सीन कट होता ना, मैं अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ हमारी हीरोइन जीनियन को उसके ऑफिस के चीफ एडिटर का कॉल आता है, जो उसे हुली की सुसाइड करने के बारे में बताती है। जो सुनकर जीनियन तो टोटल शॉक्ड रह जाती है, तो वो जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ निकलती है। पर अब तक तो हर न्यूज चैनल्स में हुली की मौत की खबर फैल जाती है, जहाँ मीडिया का कहना था एक रिपोर्टर के आर्टिकल को पढ़कर हुली डिप्रेशन में चला गया ना, उसने अपनी जान दे दी। और वो रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि जीनियन थी, जिसके कंपनी के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच चुके थे उस आर्टिकल के बारे में सवाल जवाब करने के लिए। तो इतनी भीड़ देखकर जीनियन पीछे के दरवाजे से अपने चीफ से मिलने के लिए आती है। चीफ तो उस पर भड़क ही पड़ती है, क्योंकि अब हुली के फैंस और दूसरे मीडिया वालों को तो यही लगता है कि जीनियन के आर्टिकल की वजह से ही हुली ने अपनी जान दी, तो इस वजह से चीफ उसे काम से निकाल देती है। वैसे जीनियन ने उस आर्टिकल में बस यही लिखा था कि हुली ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने से मना कर दिया और एक दूसरे एक्टर दोंग चन की इंसल्ट की, जो कि 100% एक्सक्लूसिव न्यूज थी, जिसका जीनियन के पास रिकॉर्डिंग प्रूफ भी था। पर चीफ उसकी कोई भी बात नहीं मानती और सीधे उसे फायर कर देती है। तो हुली के सारे फैंस उस ब्रिज के पास हुली को श्रद्धांजलि देने आते हैं, जब वो सभी अपने आइडल के लिए बहुत ज्यादा सैड थी। वही जिस रिपोर्टर ने उस आर्टिकल को लिखा था उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी थी। तो जीनियन भी उसे श्रद्धांजलि देने पहुंच जाती है, जहां वो प्रे करती है कि हुली को कुछ ना हुआ हो, सही सलामत वो वापस आ जाए, क्योंकि अभी तक हुली की बॉडी किसी को भी नहीं मिली है। पर जैसे ही जीनियन फैंस का गुस्सा देखती है उस रिपोर्टर को लेकर, तो वो अपना मुंह छुपाकर वहां से जाने लगती है। तभी हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हुली एक अवार्ड सेरेमनी में गया हुआ था और उसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने से मना कर दिया था, इस वजह से मीडिया उसके पीछे ही पड़ गई थी। तो हुली का असिस्टेंट फैटी उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने लगा था। वहीं उसी तरफ जीनियन भी थी, जो यहाँ से कुछ एक्सक्लूसिव खबर लेने के लिए आई थी, क्योंकि इस न्यूज के बाद वो ऑफिस में परमानेंट बन जाती। हुली जो कि गुस्से से इसी तरफ आ रहा था, तो जीनियन के साथ उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे हुली उसे गुस्से वाला लुक देता है। तो जीनियन उसे जल्दी से सॉरी कह देती है। तो हुली फैटी के साथ जाने लगा था, तभी जीनियन को याद आता है कि वो तो हुली था। वो जल्दी से अपना रिकॉर्डर ऑन करती है, उसके पीछे पीछे जाने लगती है और एक जगह छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हुली जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा था इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर से, क्योंकि उसी स्टेज पर दोंग चन के साथ उसे अवार्ड लेने के लिए जाना था, जो कि हुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो बीच अवार्ड शो छोड़कर चला आया, क्योंकि हुली और दोंग चन में किसी वजह से नहीं बनती थी, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। पर हुली इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो दोंग चन को अपने बराबर नहीं समझता था। तो ये सब कहकर वो फैटी के सामने दोंग चन की बहुत ही इंसल्ट करने लगता है, जिससे जीनियन को तो अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज मिल जाती है और एज ए प्रूफ उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ही रही थी कि तभी हुली और फैटी उसकी तरफ आने लगते हैं। तो जीनियन जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी थी, पर वाटर पाइप में उसका पैर फंसता है, वो गिरने वाली होती है। तभी हुली वहां पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे होल्ड कर लेता है। पर तभी पाइप से उनके ऊपर पानी गिरने लगा था, जिससे हुली उसे छोड़ देता है, जीनियन जमीन पे गिर जाती है। फिर उसके उठने के बाद हुली उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या तुम मेरी फैन हो। हुली को कहीं डाउट ना हो जाए इसीलिए जीनियन उसे हाँ कर देती है और उसे सॉरी वॉरी कहने लग जाती है। हुली और फैटी लिफ्ट की तरफ जाने लगे थे, जीनियन भी उनके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसकी स्कूटी भी अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क थी। पर फैटी उसे उनके साथ अंदर नहीं आने देता और उसे अगली लिफ्ट लेने के लिए कहता है। तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, करंट भी चला जाता है, इसके साथ फ्लैशबैक भी यहीं पे खत्म होता है। तो जीनियन सोचने लग जाती है कि हुली उस आर्टिकल की वजह से अपनी जान नहीं देगा, कुछ और ही बात होगी। तो वो नेट पे सर्च करने लग जाती है हुली के एलिवेटर में जाने के बाद क्या क्या हुआ इस बारे में। उसके बाद से हुली को लेकर कोई और न्यूज नहीं थी, जिससे तो अब जीनियन को भी लगने लगता है कि उसी की वजह से हुली ने अपनी जान दी होगी। तो ये सब सोच सोच कर सैड होते हुए कॉफी शॉप पहुंचती है, जहां पर वो पार्ट टाइम काम किया करती थी। तो वहां वो अपनी फ्रेंड लिली को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है, लिली उसे कम्फर्ट करती है। कॉफी शॉप पे काम खत्म करके वो अपने घर लौट रही होती है। हुली और उसके फैंस के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा थंडरिंग भी होने लगी थी। तभी उसे फील होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, सच में एक हुडी पहना हुआ लड़का उसका पीछा कर रहा था। तो जीनियन जल्दी से भागते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है, वो दरवाजा बंद करने ही जा रही होती है, वो लड़का दरवाजे पे हाथ रखकर रोक लेता है। जीनियन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी लाइटनिंग की वजह से उस लड़की का चेहरा दिख जाता है, वो था हुली। इसे देखकर जीनियन उसे भूत समझकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर अपने सामने हुली को देखकर वो फिर से घबरा जाती है, उसे कहती है तुम भूत हो, मुझे मत मारना, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। हुली उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। जीनियन ये सुनकर कहती है कि ये चल क्या रहा है, ये आखिर भूत है या फिर इंसान। फिर उससे पूछती है तुम जिंदा हो या फिर भूत बन गए। हुली को तो कुछ समझ नहीं आता, उसके हाथ पर एक कार्ड होता है, इसे देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम जीनियन को जानती हो। पूछते हुए वो उसके क्लोज आने लगा था। तो जीनियन उसे धक्का देकर उससे दूर चली जाती है, उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम जीनियन को क्यों ढूंढ रहे हो और आखिर तुम्हें उसका क्या काम है, मेरे पास भी बिल्कुल मत आना। ये कहते हुए उसके नजर में एक ग्लास का जार पड़ता है, इसे देखकर वो उस तरफ जाने लगी थी, उससे प्यार से कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। हुली कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जीनियन उस ग्लास के जार को उठाती है और हुली के
सर पे फोड़ देती जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने जाती है, पर तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो जीनियन के बारे में सब कुछ जानता था। इवन उसे ये भी पता था कि होली उसके घर के अंदर है। वो आदमी कहता है कि अभी किसी को कॉल मत करना, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्योंकि उस आदमी को ये भी पता था कि जीनियन की जॉब चली गई है और इस वक्त उसे अपने घर को छुड़ाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। सीन कट होता है, वो आदमी जीनियन के घर के अंदर होता है। इस आदमी का नाम था यांगजे, जो की एक AI डेवलपर था, इसी ने होली को बनाया था। तो यांगजे अपने आप को होली का दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस करता है। यांगजे जीनियन को बहुत सारा पैसा देकर होली को उसके घर पे रखने के लिए कहता है। जिसमें जीनियन तो शॉक रह जाते हैं, उससे पूछती क्या इसे हुआ क्या, इसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। वैसे तो इसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यांगजे उसे बताता है कि वो पानी में तो कूदा था, पर इसमें सिर्फ उसकी मेमोरीज चली गई है। इसलिए वो चाहता है कि जीनियन कुछ दिनों के लिए होली को अपने घर पे रखे। इस बात का खास ध्यान रखे कि बाहर के किसी को भी पता ना चले कि होली अभी तक जिंदा है। इसके बदले वो उसे 2 हफ्ते बाद और ज्यादा पैसे देगा, जिससे कि वो अपना सारा कर्जा चुका सकती है। यांगजे ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। जीनियन पूछते है कि इस काम के लिए आप मुझे क्यों कह रहे हैं। यांगजे बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचा और वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था। शायद उसे तुमसे लगाव है, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आया, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर वो जीनियन के कान में कुछ तो कहता है, जो सुनकर जीनियन उससे पूछती है क्या ये सही होगा। तो सीन कट होता है, अगली सुबह बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी मदद करो, जो कि होली चिल्ला रहा था क्योंकि जीनियन ने उसे बांध कर रखा था। उसकी आवाज सुनकर जीनियन जल्दी से उसके डोर के बाहर पहुंचती है। तो इमोशनल सीन बनाने के लिए वो अपनी आंखों में पानी डालती है और रोने की एक्टिंग करते हुए रूम के अंदर जाकर होली के गले लग जाती है और उसे शीतो बुलाने लगती है और कहती है फाइनली तुम्हें होश आ गया। फिर सैड होते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, पर होली तो अभी भी हेल्प चिल्ला ही रहा था। तो जीनियन उसका फेस पकड़ कर कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। ये कहते हुए फिर से उसके गले पड़ने लगती है। तो होली पूछता है कि आखिर ये शीतो कौन है और तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है। तो जीनियन जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और बताने लग जाती है कि शीतो तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हें मैं याद नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में बताती हूँ। ये कहकर वो अपनी कहानी बनाने लग जाती है और उसे बताती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, नहीं आई मीन टू से तुम मेरे फियांसे हो और हम दोनों शादी करने वाले थे। होली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है कल रात तुम्ही ने मेरे सर पे कांच का ग्लास फोड़ा था और मुझे बांधा भी था। तो जीनियन फिर से उसे चुप कराती है, कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो अभी मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। कहकर वो उसे कुछ एडिट किए हुए फोटोज दिखाने लगती है, क्योंकि उसने फोटोशॉप करके बनाया था और फोटो में वो दोनों काफी हैप्पी थे। पर अभी भी होली को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर से हेल्प चिल्लाने लग जाता है। तो जीनियन कहती है तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, तो रुको मैं तुम्हें अभी हमारी लव स्टोरी सुनाती हूँ। कहकर वो जल्दी से अपनी कहानी शुरू करती है, बताती है कि हम दोनों कॉलेज में मिले थे, तुम तो कॉलेज के एक ऑर्डिनरी लड़के थे, वही मैं थी कैंपस क्वीन जिसके पीछे हजारों लड़के लाइन लगाकर खड़े होते थे सिर्फ मुझे एक बार देखने के लिए। वो लोग तो डॉर्मेट्री तक लाइन लगाते थे, उनमें से तुम भी थे जो मेरे पीछे काफी टाइम से पड़े थे, पर उन सभी को छोड़कर मैंने तुमसे प्यार किया, जबकि तुम तो उन सभी से भी ऑर्डिनरी थे। इस पे होली शॉकिंगली कहता है कि मैं ऑर्डिनरी और तुम कैंपस क्वीन, और क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। इसे उनका जीनियन फिर से उसके क्लोज आकर कहती है हाँ वो भी बहुत ही ज्यादा टाइम से तुम मेरे पीछे पड़े थे। इस पे होली कहता है कि तुम्हारे इन फोटोज में से एक में तो मुझे एक तीसरा हाथ दिखाई दे रहा है, जो देखकर जीनियन भी शॉक्ड थे, अपने आप से कहती है मेरी फोटोशॉप स्किल्स इतनी खराब कैसे हो गई। होली फिर से चिल्लाने लगा था, जीनियन जल्दी से फोटोज को छुपाने लग जाती है। तो होली उसे देखते हुए मन में कहता है कि मेरी याददाश्त भले ही चली गई हो, पर मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव होगा। जीनियन तो एक मूवी की स्टोरी को ही अपनी लव स्टोरी बताकर उसे सुनाने लग जाती है। इसमें जीनियन थी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की, वही शीतो या फिर कहें होली एक बहुत ही गरीब फैमिली का लड़का था। दोनों के प्यार के बारे में जीनियन की मॉम को पता चल गया, इसलिए इन दोनों को भागकर उनसे छुपते हुए इस घर में आकर रहना पड़ रहा है। सुनकर होली उससे कहता है कि मुझे ये कहानी कहीं तो सुनी सुनाई सी लग रही है। इस पे जीनियन उसे टोकते हुए कहती है नहीं तो ये हमारी एकदम एक्सक्लूसिव कहानी है। तो होली पूछता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी मेमोरीज कैसे गई। इस पे जीनियन फिर से एक कहानी बनाती है, उसे बताती है कि मेरी मॉम को हमारे इस घर के बारे में पता चल गया तो वो मुझे यहाँ से जबरदस्ती लेकर चली गई और तुमसे झूठ बोल दिया कि मैं बीमारी से मर गई, जिसके गम में तुम इस कदर डिप्रेस्ड हो गए कि तुमने समंदर में कूद कर अपनी जान देने की भी कोशिश की, जो पता चलने पर मैं तो बहुत ही ज्यादा रोई थी। थैंक गॉड तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम वापस आ गए। कहकर वो फिर से उसके गले लगकर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, पर होली को तो उसकी बातों पर अभी भी बिलीव नहीं हुआ था। तभी उनके घर की घंटी बजती है, इस पे जीनियन उसे इस रूम से बाहर आने से मना करती है, दरवाजा खोलने के लिए नीचे आती है। होली उसके पीछे छुपते हुए आने लगा था और वहीं छुप कर ही उनकी बातें भी सुन रहा था। जीनियन से मिलने के लिए उसके कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड युवान आया था, जिसे जीनियन की चिंता हो रही थी उसके जॉब चले जाने पर। जीनियन उसे ये कहकर भगा देती कि हम दोनों आपसे स्ट्रेंजर हैं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने भी मत आना। जीनियन के दरवाजा बंद करते ही होली उसके पास आ जाता है और दरवाजे पर अपना हाथ रखकर उसे ब्लॉक करते हुए पूछता है अगर वो तुम्हारे कॉलेज का बॉयफ्रेंड था तो फिर मैं कौन हूँ। इस पे जीनियन तो बहाना कर देती है कि वो तो मेरे मॉम का स्टूडेंट था। इस पे होली पूछता है कि अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही रिच है, फिर तुम्हारी मॉम टीचर कैसे हुई। जीनियन तो बड़ी ही सोच में पड़ जाती है। होली कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे डैड रिच फैमिली से थे और तुम्हारी मॉम थी टीचर। इस पे जीनियन तो हाँ में जवाब देती है। होली उससे पूछता है कि फिर तुमने मेरी वजह से उसे छोड़ दिया था। इस पे अगेन जीनियन हाँ में जवाब देती है। होली कहता है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, तुमने मेरी वजह से सभी को छोड़ दिया। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। अब ये होली नाटक कर रहा था या फिर उसे उसकी कहानी पर बिलीव हो गया, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो हमें केविन एंटरटेनमेंट के चेयरमैन जाओ को दिखाया जाता है, जो कि होली के एलिवेटर वाले वीडियो फुटेज को देख रहे थे, क्योंकि बाकी सारा फुटेज उन्होंने डिलीट करवा दिया था। तो उस फुटेज में फैटी को छोड़कर जीनियन ही थी जिसने आखिरी बार होली को देखा था, और उसके बाद से ही
फुटेज गायब था, पर क्योंकि फैटी ने उसे अंदर आने नहीं दिया था इसलिए चेयरमैन को यकीन हो जाता है कि जीनिया ने कुछ भी नहीं देखा होगा। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, केविन एंटरटेनमेंट और एआई रोबोट डेवलपर्स को छोड़कर हुली और इन एआई आइडल्स के बारे में और किसी को भी पता नहीं था। सारे लोगों को तो यही पता था कि हुली एक इंसान था। चेयरमैन यांगजी को कॉल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चेयरमैन ने ही ऑर्डर दिया था हुली को डिस्ट्रॉय करने का, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हुली अभी तक जिंदा है। यांगजी के लिए ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि उसी ने हुली को बनाया था, वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी बन गया था। चेयरमैन ने हुली को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था क्योंकि हुली में से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही थी और उस प्रॉब्लम को यांगजी फिक्स नहीं कर पा रहा था। चेयरमैन ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक को पता चले कि उनका फेवरेट आइडल एक एआई रोबोट है जिसका असर उनके कंपनी पर हो, इसलिए उन्होंने हुली को डिस्ट्रॉय करना बेटर समझा। ऐसे हुली तो वो बहुत सारे बना सकते हैं, पर हम देखते हैं कि यांगजी तो अभी भी हुली को ही ठीक करने में लगा हुआ था। फिर यांगजी जो कि नहा रहा था तभी पानी की वजह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी फिर से लीक होने लगती है, इससे तो पहले पानी का कनेक्शन बंद होता है। जैसे ही हुली बाथरूम से बाहर निकलता है घर की बत्ती भी गुल हो जाती है, तो वो जीनियन को बुलाने लग जाता है। जीनियन टॉर्च लेकर आती है, उसे नेकेड देखकर वो पीछे घूम जाती है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। इस पे हुली उसे कहता है कि मेरा अभी तक नहाना नहीं हुआ, इसलिए पानी लेकर आओ और मेरे बालों को धो दो। जीनियन पानी लेकर आती है, उसके बालों को धोने लग जाती है, इससे हुली की आंखों पर साबुन चला जाता है। जीनियन उसके आंखों पर फूंक मारने लग जाती है, इससे दोनों काफी क्लोज चले आते हैं। इससे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। वही हमें हुली के पानी से बाहर आने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो समुद्र किनारे पड़ा हुआ था पर उसे सिर्फ जीनियन का ही नाम याद था। इसे ढूंढते हुए वो निकल पड़ता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हुली जीनियन को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मैं कौन हूँ और हमारा रिश्ता क्या है, मुझे सिर्फ जीनियन का ही नाम याद क्यों है। अगर वो उसके चिक्स पर हाथ रखता है, इसी के साथ पार्ट वन का यही पे होता है। सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वही नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं ये भी बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।